दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान से राहुल गांधी का किनारा। राहुल गांधी ने कहा दिग्विजय सिंह के बयान से वो सहमत नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आर्मी पर है पूरा भरोसा। गुलाम नबी आजाद से भी मांगी माफी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा वे उससे सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे आर्मी पर पूरा भरोसा है, देश की आर्मी जो भी ऑपरेशन करे उसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल ने इस दौरान गुलाम नबी आजाद से भी माफी मांगी। राहुल ने कहा कि अगर मैंने कभी गुलाम नबी आजाद और चौधरी लाल सिंह को दुख पहुंचाया हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि सभी जवानों को एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन पीएम मोदी नहीं माने। ऐसी चूक कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि आज तक पुलवामा पर संसद के सामने कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई। उन्होंने दावा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया लेकिन सबूत नहीं दिखाया गया। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। जब गुलाम नबी आजाद को भारत छोड़ो यात्रा का न्योता ने दिए जाने को लेकर सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के ज्यादातर लोग तो हमारे साथ बैठे थे, 90% लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग, 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस। बस उस तरफ सिर्फ गुलाम नबी आजाद रह गए। मैं गुलाम नबी आजाद का सम्मान करता हूं, अगर मैंने उन्हें किसी तरह से कोई दुख पहुंचाया हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन अब उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। राहुल गांधी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान राहुल गांधी से दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह दिग्विजय सिंह का निजी बयान है, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, मुझे देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर के पूरी तरह से घिर गए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी उनके बयान से किनारा किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी उनके निजी विचार है और पार्टी द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है। यूपीए सरकार द्वारा 2014 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सैन्य कार्यवाहियां जो राष्ट्रीय हित में है कांग्रेस ने सभी का समर्थन किया है और आगे भी करती रहेगी। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।